रीवा मध्य प्रदेश में आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। आइए दिखाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबसे पहले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वो अपने आप में अप्रतिम है। वास्तव में ये सेक्टर ही हिंदुस्तान में कृषि के बाद औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार निर्माता और क्षेत्र है और इसके माध्यम से हिंदुस्तान की प्रगति की एक बहुत बड़ी रेखा खींची जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत को लेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई है, जिसमें 1 जुलाई से अन्य व्यवसायों की 30 लाख की से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 110 लाख करोड़ रुपए के ऋण अभी तक स्वीकृत किए जा चुके हैं और 50,000 करोड़ का फंड साफ फंड भी बनाया गया है। दबाव का सामना करने के लिए जो राहत दी गई है उसमें 30,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है और इस तरह से डिस्ट्रेस फॉर एसेट फंड सब कोऑर्डिनेशन में इसको लॉन्च किया गया है। ये एमएसएमई की परिभाषा ही बदल दी गई है। पहले तो 1 करोड़ रुपए की कारोबार की सीमा थी, वो 5 करोड़ रुपए निर्धारित कर दी गई है। छोटी इकाइयों के लिए भी 10 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। मध्यम इकाइयों के लिए जो 20 करोड़ रुपए और कारोबारी की सीमा का 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्लोबल टेंडर्स में 200 करोड़ रुपए और उसके कम वैल्यू के अनुबंध के लिए निविदाओं की अनुमति नहीं होगी, वैश्विक निविदाओं की। और इस तरह से इस सेक्टर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बीच दूर रखने का प्रयास किया गया है और 200 करोड़ रुपए तक का जिनका टर्नओवर है वो अपना खुद का हिंदुस्तान के अंदर ही वो प्रतिस्पर्धा करें और उसमें अपने उत्पाद का की बिक्री कर सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के शुरुआत में माननीय सांसद जी ने आप सबसे वार्तालाप की थी। आज पुनः एक बार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो योजनाएं हैं और उनसे जुड़ी बातें हैं उसको रखेंगे, साथ ही समसामयिक बातें हमारी आपके बीच माननीय सांसद जी रखेंगे। मैं माननीय सांसद महोदय से आग्रह करूंगा, हम सब के बीच अपने विचार योगेंद्र जी और मित्रों, आज आपको यहाँ आमंत्रित करके मुझे अपार हर्ष हो रहा है और आप यहाँ आकर के आपने हमारी केंद्र सरकार की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी की दृष्टि और योजनाओं को आप के बीच में जानकारी देने का हमें अवसर प्रदान किया। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत के देखा हो तो खुशी योजना गरीब कल्याण योजना के तहत गांव के गरीब मजदूर किसान, इसमें सबसे पहले किसान सम्मान निधि जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें रागी है, माझी है, तुअर है, मूंग है, उड़द है, ये सब दाल की जो दाल और धान की जो किस पैदावार है उनका समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। जैसे पैडी का 53 रुपए है, 53 रुपए पहले
इसमें ज्वार का 70 रुपये, बाजरा का 150 रुपये, रागी का 145 रुपये, माझी का 90 रुपये, तुअर का 200 रुपये, मूंग का 146 रुपये, उड़दा का 300 रुपये इंक्रीज की गई है। कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसमें 33,000 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश होने की उम्मीद है और इस तरह से तमाम सारे जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर हैं उनको काफ़ी इसमें सहायता मिलेगी। रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने 38,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें 31,130 करोड़ रुपये का अधिग्रहण भारतीय इंडस्ट्री से होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने रक्षा के आयुध अपने देश में बनाने का निर्णय लिया, उसके लिए 39,000 करोड़ रुपये की मंजूरी हुई है और उसका बहुत बड़ा एक विवरण भी है, वो कौन कौन से बनेंगे, कंपोजिट सोनार गुंबद सशस्त्र बल, इस तरह से FTI इसमें 39% से बढ़ा करके 74% कर दी गई है। PP मॉडल पर हवाई अड्डों का निर्माण होगा और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के स्तर के हमारे हवाई अड्डे तैयार होंगे। अंतरिक्ष के मामले को हमने उद्योग के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है और पहला वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 360 अरब डॉलर में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 अरब डॉलर की हो गई है और इस तरह से अंतरिक्ष उद्योग में भी हमारी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है कि निर्धारित हुई है। वोकल फॉर लोकल का एक नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उसके आधार पर जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और मेरी आप सबके माध्यम से आम लोगों से भी अपील है कि जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको सब महत्व दें, हम सब उसका उपयोग करें। यही आज आपको जानकारी देनी थी तो हम सब बाकी कुछ RBI के जो रिलीफ मेजर्स हैं उनको भी चिन्हित किया गया है जिनका एक ब्यौरा बहुत विस्तृत है और उससे निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो प्रवासी मजदूर आए उनको काम नहीं मिला जैसे सरकार की योजना है, क्या सब पंचायतों के काम JCB या अन्य मशीनरी से हो पा रहे हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित करवा पाएंगे कि इनको रोजगार मिलेगा? यहाँ पे 125 अब ये एक सर्वे सूची बनी है, अभी गर्मी में जो लोग आए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो वास्तव में जितना काम होना चाहिए उस सेक्टर पर काम नहीं हुआ, मैं उससे सहमत नहीं हूँ और उसको खुलेआम स्वीकार भी कर रहा हूँ। लेकिन अब एक ग्रेडिएशन हो रहा है, सूची बन गई है और उसमें एक ये कि कौन श्रमिक किस काम के लायक है। अब कोई मिट्टी वाला पर काम नहीं होगा, कोई केवल ये सांचा बनाने का काम करता तो सांचा बनाने का काम दिया जाएगा, कोई लोहारी का भी काम करता तो उसको लोहारी का भी काम दिया जाएगा, वो उसकी गुणवत्ता किस काम में। सरकारी उपक्रम तो ऐसे हैं नहीं कि आप लोहार को लोहारी का काम कैसे करें। नहीं, हम उसको कुछ उत्पाद बनाने के लिए देंगे कि भाई आप इतना है, ये जैसे सरुदा बनाने का काम है, हमारे यहाँ सिमरिया में सरुदा बनाने का काम बहुत अच्छा होता है, तो हमने बता दिया कि भैया ये आपको है, इतने में आपको इतनी मजदूरी फिक्स है, आप इसका निर्माण करो, उसको अपन मार्केट में डाल करके कहीं सरकार में प्रोत्साहित करेंगे कि इसको सरकार ले खरीदे, इस तरह के भी काम है। ऐसा नहीं कि केवल हम सरकार का ऊपर कोई ढांचा पर खड़ा करेंगे, ऐसा नहीं। तो इस तरह से वो कौन सेक्टर में वहाँ काम कर रहा था, जहाँ से वो आए हैं उनका काम का सेक्टर कौन सा है और उस काम
के लायक हमारे यहाँ कौन सा काम हो सकता है ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है, ग्रेडिंग हो रही है उसकी, और ग्रेडिंग के आधार पर सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो आम शिकायत है, आम शिकायत क्या जो वास्तविकता भी है कि श्रमिकों के नाम पर जेसीबी चलाई जाती है और बहुत कम मुश्किल से 10-20% मजदूरों को काम मिलता है, बाकी जेसीबी के माध्यम से काम होता है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ बार बार। अब मैंने उसको आगे हर जगह पे कहता भी हूँ, उसमें हमको कोई संकोच भी नहीं है। और इसीलिए मैं तो लोकसभा में पक्षधर था कि ये आँख में धूल झोंकने का काम है, मशीन आप इसमें अलाउ कर दो, नहीं तो होता तो मशीने से है, बिना मतलब कागज में वो सरपंच भी गोलमोल करता है और उसको भी पैसा उसका भी लगता है, पंचायत के सरपंच का भी पैसा खर्च होता है, स्ट्रक्चर भी बनता है, पर दिखता वो सब काला पीला है। इसमें हमारे रोजगार देने की संकल्पना कैसे? इस बात में तो बोला कि 25% से ज़्यादा नहीं हो पाई, पर अब जो नया मॉडल बना है उसमें केवल अब मिट्टी खुदाई भर का काम नहीं, कई तरह के काम हैं और उनका ग्रेडिएशन करके उनको काम दिया जाएगा। मिट्टी खोदने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, उस तरह से काम होंगे। सरकार करोड़ों खर्च करके उन प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन में दिया है अपने घर में, अब उन कंपनियों की गाड़ियां घूम रहे गाँव उनको ले जा रहे हैं। हाँ तो वो जाना चाहें तो स्वागत है, जाना चाहिए उनको, लेकिन हमको तो ये पता होना चाहिए ना कितने आए कितने गए। वो आने का तो पता है, आने का पता है और जाने का भी पता, जब ये सूची जब बन रही है उसमें काम किनको देना है, काम को किनको देना है, तो कौन बचा कौन नहीं बचा, इसका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा उसमें। आपने भी बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सरकार बढ़ावा दे रही है, किसान संगठन कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो है तो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कब्जा कर लेंगी किसानों को, किसान केवल मजदूर बन के रह जाए। ये किसान संघ की एक कोरी कल्पना है, आज हमको जितना उत्पाद मिलता वही अगर पैसा किसान को उसके घर में मिल रहा है मद्रास की कीमत का या कि अमेरिका की कीमत का या कि कनाडा की कीमत का, तो किसान क्यों नहीं बेचे? और जो इतने छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, 70% तो लघु और सूक्ष्म उद्योग रह गए हैं, ये सारी लघु और सीमांत किसान हैं और वो खेती हानि की खेती मानी जाती है। अब तो सरकार ने खुद इतनी कम कीमत तय कर रखी है, ज्यादा उत्पाद कर रहे हैं, लागत के बराबर सरकार ने ही नहीं तय कर रखा है, समर्थन मूल्य देखिए कितना कम है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है। नहीं, मार्केट वैल्यू ज्यादा है ये बात सही है, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो किसान संघों किसानों की मूलभूत मांग थी, उसको हमने पूरा कर दिया। अब उसके आगे भी कीमत बढ़ेगी तो किसान एसेस करेगा ना कि हमको हमारे यहाँ का ये मुनगा मैं बोआ रहा हूँ, ये मुनगा पूरी दुनिया में निर्यात होता है, अब इस मुनगा की कीमत लंदन में कितनी है, हम बैठे बैठे यहीं से देखेंगे ना। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा, जिसको हम अपनी ज़मीन देंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि हम रीवा में मुनगा 30 रुपये किलो तो हम 30 रुपये तय करें, अमेरिका में कितनी कीमत है, लंदन में कितनी कीमत है इसकी उस आधार, या कि मद्रास में कितनी कीमत है उस आधार पर भी हम तय करेंगे। तो जो आय का विरोधाभास है अमरीका और भारत में देना चाहिए था, लेकिन नहीं मार पाए, वो डीएसपी बोल रहा था कि इसको बचेगा नहीं आगे जाए, मंत्री का सीधे कनेक्शन जोड़ रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वो सब गलत है, नहीं नहीं वो सब गलत है, सरेंडर नहीं हुआ, उसको पकड़ा गया, कौन कहता सरेंडर, अरे ऐसा कैसे गया, वो पूजा करने गया, हर साल पूजा करने जाता तो वहाँ भी पूजा करने गया और उसको पहचान लिया वो फूल वाले ने और इस तरह से वो पकड़ लिया गया। यूपी बदमाश को फूल वाला पहचान लिया क्यों? यूपी को बदमाश उसका तो 7 दिन से इतना बड़ा अपराधी वो निहत्ता गए, भगवान की यहाँ वो तोप लेके जाएगी, भगवान शंकर जी के दर्शन करके निहत्ता गए। मिला है
कहीं कहीं मिला है, उसमें हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं। नेताओं का अब वो मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। सांसद जी आप ये होता है, ये यूपी को वर्मा से यहाँ अपने एमपी में आकर के सरेंडर हुआ इनकाउंटर जो हुआ, इनकाउंटर जो हुआ कांग्रेस की तरह क्या गुटबाजी का शिकार हो रही भाजपा बिंद के लड़कन के लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। अच्छा, ये माना जाए कि सरकार जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और मध्यावधि चुनाव नहीं ऐसा नहीं, पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। कार्यकाल पूरा न करने का कहीं प्रश्न ही नहीं है। एक वे बड़े मुश्किल से ही जीत जाए, बाकी दोबारा कहूँ की हिम्मत न पड़ी कि इस्तीफा दे के होगा जब होगा होगा, बाकी हिम्मत की इस्तीफा दे के तो होगी। संगठन को लेकर भी बड़ी खींचतान है, आप जिला अध्यक्ष रहे हैं दो तीन बार, जिस तरह के हालात बन गए हैं आपके कार्यालय में चाहे कार्यकर्ताओं में, उस पर क्या कहना? हमारी जिला पार्टी बहुत अच्छा ढंग से काम कर रही है, पूरी पार्टी सक्रिय है। मैं आज स्वयं भी हनुमाना में 3 में सभाएं करने जा रहा हूं और जितना अच्छा परफॉर्मेंस रीवा जिले का है वो भी सराहनीय है और कोई मतभेद नहीं है। संगठन को लेकर के बहुत ही शांति है और हम सब लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। एग्री इंफ्रा फ्रंट और 10,000 FPO जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि को सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। सूक्ष्म खाद प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के निवेश और 9,00,000 कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को इसमें काम मिलेगा और ये 10,000 करोड़ रुपए से योजना शुरू की जा रही है। इसमें भंडारण और परिवहन के लिए किसानों को 50% की सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। इसी तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20,050 करोड़ रुपए से ये शुरू की जा रही है और इसमें 9,407 करोड़ रुपए केंद्र सरकार अंशदान करेगी। इसी तरह से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन एवं अवसंरचना पर ये खर्च किए जा रहे हैं। फिर आपने उसको माफ कर दिया था, आप कह रहे हैं कि अपराधियों को खोज देना चाहिए, पुलिस केस पूरे वो उसको कांग्रेस के लोगों ने फायर करने के लिए प्रेरित किया था, राजनीतिक काम था वो, इस वजह से हमने छोड़ दिया था। बाकी अपराधी उसको शराब वराब पिला करके फायर और करा रहे थे, कांग्रेस के लोग थे उसमें, तो हमने कहा हो गया कांग्रेस ही है तो करने दो, इनको जनता फायर कर देगी तो कर ही दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये बहुत दिनों से एक विचार था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा और उससे जो उपज का मामला है वो मार्केट का पैसा, मार्केट के बराबर वैल्यू जो है उसके उत्पाद की किसान को अपने खेत में ही मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना है कि किसान अपना उत्पादन करे और उसका उत्पादन दिल्ली के मार्केट में जो मिलना है उसको उसी के खेत में मिल जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। फसलों के समर्थन मूल्य का आप लोग बराबर इसको प्रसारित भी करते रहे हैं, वो सूची है, वो खाद ये धान का है,